कभी कभी लगता है ना कि दोस्तों के साथ दो पल रहने से सब ठीक हो जाता है। मेरा नाम है लक्षण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्षण पटेल व्लॉग्स। तो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ द स्टोरी ऑफ वायनाड, जहाँ पे हम फेल हो गए। जैसे मुंबई को कहा जाता है सपनों की नगरी, वैसे ही हमारी कहानी शुरू होती है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर से। कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हमारी कहानी में है कौन कौन। तो ये है नावेद, और ये है स्वाति, ये है स्वाति की बहन पीहू, और ये है मेरा बचपन का दोस्त क्षितिज। और हम जाने वाले हैं बैंगलोर से वाया कार टू वायनाड। चालू कर दी है, गाड़ी चल रही है बढ़िया, पीछे बढ़िया माहौल बना हुआ है। बोल्ड इट दिख रहा है क्या? यू को भी बोलो। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हंसते हुए खिलखिलाते हुए हम लोग पहुंच गए वायनाड, और वायनाड में हमारा स्वागत किया बारिश ने। इस बारिश को पार करते हुए हम लोग पहुंच गए हमारे होटल। ओ एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का आज वायनाड में। फाइनली हम लोग वायनाड पहुंच गए 7:30, रात को निकले थे 2 बजे के आसपास, जो कि आपने देखा ही होगा। तो अभी हम पहुंचे हमारे होटल पे, क्या नाम है, आइवरी ग्रैंड, ये रहा होटल। ओके, आप भी देख सकते हो बहुत प्यारा सा रूम लिया हम लोगों ने, आपको रूम भी दिखाता हूँ। उसके पहले देखो ये, और वहाँ पे पहाड़ दिख रहा होगा, उसके नीचे आपको बिल्कुल वादियाँ पहाड़ को छूती हुई। तो बहुत ही सुंदर मतलब जगह है, पूरी जगह को एक्सप्लोर करेंगे आज। अभी थोड़ी देर जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव करी है आज हम लोगों ने। नाउ इज सिटिंग हियर, बाकी लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड मीट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स जो कि ऊपर पहले से बैठे हैं। ओ ये है हमारा रूम 304, तो हम इसमें घुस गए। ये देखो, इट्स अ बिग प्लेग्राउंड एक्चुअली। ये रिलैक्सिंग के लिए थोड़ी चेयर्स वगैरह दी है कि आप रिलैक्स कर सकते हो। दिस इज सामान में थोड़े सही है, एंड दिस इज सुनाइए जी। देखो कैसे पड़ी है, हाँ हाँ देख लिया मैंने, पता है। ओ वाह, हाँ देखो ये तो बहुत नहीं, नाइस, हाँ हाँ देखा देखा। गुड नाइट, गुड नाइट। फालतू का ये जी बोल रही मेरे को, ये देखो अच्छा सा वर्कस्पेस भी दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया सा। और ये दो ड्राइवर की सीट हो, दो ड्राइवर। तो वायनाड पहुंच के हम लोगों ने किया थोड़ा सा रेस्ट, और फिर हम निकल गए इस जगह पे लंच करने के लिए। इस जगह का लंच काफ़ी अच्छा था, और इनका मेन्यू भी बहुत अच्छा था, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास वेज और नॉनवेज में। तो हम लोगों ने वेज और नॉनवेज दोनों खाया, और फिर हम लोग निकल गए हमारे मिशन नंबर 1 चेमरा पीक के लिए। हमने लंच कर लिया है, और हमारा लंच का सिर्फ कॉस्ट लगा 1000 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये देखो, ये जगह का जगह है, WMO नाम है इसका, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और ये हाईली रिकमेंडेड प्लेस है, अगर आप वायनाड आ रहे हो तो यहाँ पे आप खाना जरूर ट्राई करना। इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग तेजी से चेमरा पीक की तरफ बढ़ रहे थे, और चेमरा पीक की एंट्री पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि चेमरा पीक तो बंद है।
और चेम्बरा पीक को बंद करने का ऑर्डर यहाँ के कलेक्टर ने दिया है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी कि ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं था। फिर हमने अपनी गाड़ी घुमाई, अपनी निराशा को डाला अपनी जेब में और निकल पड़े दूसरे व्यू पॉइंट को देखने के लिए। तो अभी हम लोग लिक्विडी व्यू पॉइंट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जगहें बंद हो गई, 5 बजे तक का सबका टाइम है। सो बेसिकली हम लोग लेट हो गए, 4 बजे के आसपास तो लंच करा क्योंकि हम लूटे ही लेट और घूम पाए नहीं पूरा। तो हमारा ये पॉइंट देखने के लिए 24 आवर्स खुला रहता है, बिकॉज बेसिकली ये रोड के ऊपर है, राइट। तो ये ऐसा कुछ व्यू पॉइंट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वहाँ एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी नीचे तक, तो वर्थ इट है यहाँ पे आना अगर आपके पास शाम का समय बचा है आफ्टर 5:30। यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड यू कैन एंजॉय दिस व्यू। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका डे 2 एट वायनाड। कल तो हम फेल हो गए, हम लोग चेम्बरा पीक नहीं जा पाए। आज के दिन की कोशिश हमने फिर से शुरू की और आज हम यहाँ पहुँचे। कल के निराश चेहरों को लेकर पूरे जोश के साथ आज सुबह हम फिर निकले चेम्बरा पीक को हासिल करने। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और हमें पूरी उम्मीद थी कि आज तो हम चेम्बरा पीक पहुँच ही जाएंगे, लेकिन चेम्बरा पीक के चेक पॉइंट पहुँचने पर हमें सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि आज भी चेम्बरा पीक बंद है। और ये सुनकर हम सभी का दिल टूट जाता है और फिर अपने निराश चेहरे और फूटी किस्मत लेकर हम निकल पड़ते हैं सोचीपारा वाटरफॉल की तरफ। खुशियों का पिटारा और जोश लेकर हम निकल चले बैंगलोर की ओर। यहाँ ख़त्म होती है हमारी 2 दिन की ट्रिप जो हमने बहुत ही जल्द में प्लान करी थी बैंगलोर से वायनाड के लिए। मौसम ने तो हमारा साथ नहीं दिया, पर आप मेरा साथ जरूर दे सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट में लिख के बताना कि हमारी फेलियर की स्टोरी आपको कैसी लगी।